नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 विश्व कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में एक बार फिर से फखर जमान और मोहम्मद रिजवान का जलवा देखने को मिला। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़े। बाबर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के 10वें ओवर में उनका विकेट गिर गया। इस दौरान उनके बल्ले से 34 गेंदों पर 39 रनों की पारी लिखी, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले पर एक धमाकेदार पारी खेल डाली। मोहम्मद रिजवान ने 52 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 हैरतअंगेज छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 128 का था। मोहम्मद रिजवान ने शुरुआत हल्के अंदाज में की, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद हैरतअंगेज शॉट्स लगाए। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। यहां तक कि पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जॉस हेजलवुड के खिलाफ तो उन्होंने 21 रन बटोर लिए थे। हालांकि तेज तर्रार पारी खेलने की कोशिश में पारी के 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद रिजवान मिचेल स्टार्क का शिकार हो गए और 52 गेंदों पर 67 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, पहले विकेट के लिए रिजवान ने बाबर के साथ 71 रन जोड़े। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए फखर जमां के साथ भी 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी की। आपको बता दें, रिजवान का इस टूर्नामेंट में ये तीसरा अर्धशतक भी था। इससे पहले भारत के खिलाफ भी उन्होंने एक धमाकेदार पारी खेली थी, वहीं नामीबिया के खिलाफ भी उन्होंने एक दमदार अर्धशतक की पारी खेली थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।